बचपन में पर बहुत शरारती था, बहुत तड़बाद करता था, वो नहीं किसी की मानता था, अपनी मर्जी का मालिक था। पहले ये नहीं था, छोटे बच्चे थे, स्कूल के जाने से टाइम पे पहले अंटे गोलियां खेलते थे। पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी उस पर। उसका चाचा बोला, भाई तू नौकर में इसको कबड्डी में बार दो। मगर ठीक है भाई, तो ये पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, थोड़ा इसको कबड्डी में डाल दे। बचपन में कोई खास नहीं था जी, इतना अच्छा परफेक्ट नहीं था जी, वो बात नहीं थी भाई यहाँ तक भी पहुंच जाएगा ये। गांव की गलियों में कंचे खेलने वाले प्रदीप ने बड़े ही बेमन से कबड्डी के कोर्ट में कदम रखा था। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि परिवार वाले चाहते थे। कबड्डी नहीं खेल लेंगे तो उनकी जॉब नहीं लगेंगे, तो खेती करनी पड़ेगी, उसमें बहुत परेशानी होती है। तो यही सोचते थे कि कबड्डी अच्छा खेल के अपनी जॉब लग जाए, अपना गुजारा चल जाए, फैमिली लाइफ चल जाए, हमारा चल जाए, खेती नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि हम जाते थे खेलने के लिए जाते थे, जो सीनियर होते थे वो बोलते थे कुछ नहीं करेगा तू अपने घर ही रहते रहा कर। एक दिन प्रदीप के चाचा उसे इलाके के मशहूर कोच नरेश नरवाल के पास ले गए और यही लम्हा साबित हुआ प्रदीप की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, जिस बच्चे को ज्यादातर लोगों ने बिलो एवरेज टैलेंट कहकर खारिज कर दिया था, उसमें नरेश नरवाल ने एक अलग तरह की चमक देखी। हमारी भाषा में बोलते हरियाणवी भाषा में के पूत के पाँव पलने में दिख जाए, वैसे दिखता नहीं कि इतना ताकत होगी इसके अंदर, फिर जब ग्राउंड के अंदर पड़ता है ना, जिस टाइम मान ले मैच हो गया, ग्राउंड में जाएगा, किसी किसी को पता है इसमें कितनी ताकत है, वहां जाने के बाद इतने जोश से खेलता है। नरेश नरवाल की देखरेख में प्रदीप की कोचिंग के शुरुआती दिन आसान नहीं थे। उसको जब ग्राउंड में नहीं जाता तो फिर मैं उसको फिर बोर्ड का छोड़ करता, फिर उसको वहाँ उसको बताता उसके कोच को, भाई ये अब उधर आज लोक रहा था, फिर कोच उसको टाई करता। उसको किसी चीज का पता नहीं था, घर से ग्राउंड आया, आया कबड्डी खेलनी शुरू कर दी। उसको यही इच्छा रहती थी, नहीं और खेलेंगे अभी तो, और प्रैक्टिस करेंगे। ट्रेनिंग बहुत सख्त थी, लेकिन कोच प्रदीप को लगातार इस बात का एहसास दिला रहे थे कि उसमें जो बात है वो बाकी खिलाड़ियों में नहीं। मेहनत रंग लाई और प्रदीप जल्द ही गांव से निकलकर हरियाणा में जूनियर कबड्डी का सेंसेशन बन गया। साल 2014, दुनिया की सबसे बड़ी कबड्डी लीग का ऐलान हुआ। जो पहला सीजन शुरू हुआ ना, उस टाइम प्रदीप 15-16 साल का था। उस टाइम भी मैसेज आया था हमारे पास कि प्रदीप को लेके जाएंगे, तो मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स भेजे भी थे, तो जो कोच थे, जो मैनेजमेंट थी, उन्हें प्रदीप तो देखा नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स देखे उन्हें, वो बोले नहीं 15-16 साल का लड़का कहाँ खेलेगा, नहीं भाई इसको नहीं, हम नहीं लेंगे इसको, बाहर करो इसको। जब प्रो कबड्डी हम देखते थे बैठ के घर पे, तो ये देखते थे कि जैसे राकेश कुमार है, अनूप कुमार है, राहुल चौधरी है, अजय ठाकुर है, इनको देखते थे, क्योंकि मैं रेड मारता था, मैं इन्हीं को देखता था। मेरा पापा बैठता है मेरे साथ, बोलते था कबड्डी खेलने से भी फायदा है जब यहाँ तक खेल गए। सीजन 1 में किसी भी टीम ने प्रदीप को नहीं लिया, मगर कोच नरेश नरवाल को यकीन था कि प्रदीप जैसे टैलेंट पर कभी ना कभी किसी की नजर जरूर पड़ेगी। फिर दूसरा सीजन आया, जोगिंदर का तो पता था बहुत अच्छा लड़का, उन्होंने रणधीर कोच साहब को बताया। मैं एक लोकल टूर्नामेंट में गया था, दो अच्छी डुबकी मारी इसने प्रदीप ने, मैंने सोचा यार ये लड़का अच्छा बन सकता है अगर इसको कोचिंग दी जाए, इसको प्लेटफॉर्म मिले। तो रणधीर कोच साहब ने बुला लिया, सीधे साइन करवा दिया। प्रो
प्रो कबड्डी में जैसे फर्स्ट बार आया मैं बेंगलोर बुल्स में आया था। पहला सीजन तो वही था कि हम टीवी में दिख जाएं, एक दो मैच में हमें अंदर 12 में ले लें, ऐसे ले लें, यही था। प्रदीप नरवाल इस समय रेड पर, पूरा शॉट का डिफेंस और इस बार प्रदीप नरवाल को डैश कर दिया। प्रदीप ने बुलंद इरादों के साथ पीकेएल में कदम रखा, लेकिन सीजन टू में ऐसा लगा कि उसके सपनों समेत उसका हौसला भी टूट गया था। देखो, किसी कारण प्रदीप मान ले बच्चा था, नहीं खेल पाया पहले सीजन में, तो सिर्फ 17 साल का था। थोड़ा उसको ये लाइट लुइट देख के आउ बाउ हा हो गया। सीजन टू में हम गए जी, तो वहाँ हमारे वो अच्छा मौका भी नहीं मिला जी, मौका मिला तो हम अच्छा कर नहीं पाए, तो हम लास्ट फिर हमने घर आके सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो हम घर आके अपनी बहुत ही प्रैक्टिस करी हमने। डेब्यू सीजन ने प्रदीप को कड़वी यादें दी, मगर वो उन्हें भूल कर नए सिरे से आगे की तैयारियों में जुट गया। आकर प्रदीप की टीम बदली, लेकिन सवाल यह था कि जर्सी के साथ किस्मत भी बदलेगी। उसके कानों में गूंज रही थी कोच नरेश नरवाल की एक ही बात, कामयाब वही होते हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। दुखी, दुखी अगेन, प्रदीप नरवाल।